हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष कुमार। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। तो आज की इस ऑनलाइन ई क्लास में हम लोग कीपिंग क्वाइट नाम की पोएम को पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 12th NCERT पैटर्न के करिकुलम में दी हुई है। पोएम नंबर 3 है, तो इसकी हिंदी और हिंदी में इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसका अर्थ होता है शांत अवस्था या शांत रहना। अब ये शांत अवस्था क्या है या शांत रहना क्या है, इसे तो हम पोएम की लाइन में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति पेबलो नेरुडा के बारे में जान लेते हैं, इनके पोएट के बारे में। पेबलो नेरुडा का जन्म 1904 में हुआ था और इनकी डेथ 1973 यानी 1973 में हुई थी। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकॉर्डो राइसिस बसाल्टो। इनका असली नाम जो है ये नेफ्ताली रिकॉर्डो राइसिसो बसाल्टो था, और ये इनका उपनाम है पेबलो नेरुडा। पेन नेम का मतलब होता है उपनाम, यानी एक और नाम जिसके नाम से ये जाने जाते हैं, जिस नाम से ये। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पर्ल इन चिली। चिली नाम का एक देश है जहाँ पर ये पर्ल नाम की जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेरुडाज पोएम आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस। इनकी जो पोएम्स हैं इतनी आसानी से समझी जा सकती हैं कि उसका एक चित्रण दिमाग में बन जाता है, एक इमेजिनेशन दिमाग में होने लगते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिसके माध्यम से ये कोई कम खूबसूरत नज़र नहीं आता, यानी कि खूबसूरती इसकी पोएम की बढ़ जाती है। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। इन्होंने 1971 में विश्व का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इन्होंने जीता था। इन दिस पोएम, अब ये जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। इन्होंने इसमें उस आवश्यकता के बारे में बात की है जब हमें क्वाइट यानी शांत रहने की आवश्यकता होती है, इसके विषय में बात किया है। एंड इंट्रोस्पेक्शन, और आत्ममंथन किया है, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में एक जो व्यवहारिक सोच होती है, कम्युनिकेशन होता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। जब हम शांत होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को समझ सकते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को समझते नहीं हैं, बल्कि जो हमें पता होता है वो हम बताते हैं, केवल इतना होता है। तो यहाँ पर शांत रहने की अवस्था के कुछ गुण हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन इस पोएम में किया गया है, कीपिंग क्वाइट में। तो चलिए अब पोएम की लाइन टू लाइन समझ लेते हैं कि पोएम में किन थीम पर आधारित बातों को कहा गया है। पोएम के थीम शांत अवस्था के विषय में है, और शांत अवस्था आप यूँ समझ लें कि जैसे कि आप आज के समय में लॉकडाउन को समझ रहे हैं, तो कोरोना काल में लॉकडाउन लगाना क्यों ज़रूरी है वो ये पोएम भी समझाएगी। नाउ पोएम की लाइन समझते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, कि चलो हम लोग 12 तक गिनते हैं। 12 तक गिनते का मतलब ये है कि 12 घंटे, 24 घंटे के समय में से आधा समय, यानी एक दिन का एक पहर। पूरा दिन जब होता है तो 24 आवर होते हैं, और उसका आधा हिस्सा ले लिया जाए तो 12 घंटे। उस 12 घंटे, घड़ी के 12 होने तक वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब स्थिर अवस्था में रहेंगे, यानी कुछ नहीं करेंगे, ना हिलेंगे, ना डुलेंगे, ना काम करेंगे, ना बोलेंगे, ना ही म्यूज़िक सुनेंगे, ना ही शोर शराबा करेंगे, किसी प्रकार की जो है आवाज़ नहीं करेंगे, शांत रहने की कोशिश करते हैं। फॉर वंस, एक क्षण के लिए, द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी जैसा है वैसा दिखने लगे, ऐसे प्रयास हम लोग करते हैं। लेट्स नॉट स्पीक, कि चलो कुछ ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भाषा में किसी से बातचीत ना करें। किसी भाषा में किसी से बातचीत ना करें का मतलब क्या हुआ, ना हम बोलचाल की भाषा में बात करें, ना हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल किसी भाषा में बात करें, ना ही हम इशारों की भाषा में बात करें, ना ही हम मैसेज लैंग्वेज से बात करें, यानी मैसेज टेक्स्ट भी ना करें, किसी भी तरीके से नहीं। थोड़ी देर के लिए हम कोशिश करें बिल्कुल शांत अवस्था में रहने की। लेट स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, क्षण के लिए सब कुछ रुक जाए। आपको वो व्याख्यान याद होगा कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने जब चुटकी बजाते थे तो सारा समय एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाता था। अगर वो ध्यान है तो आपने वो चीज़ महसूस किया होगा, वो देखा होगा कि जब सारी चीज़ें एक स्टिल अवस्था में आ जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, बिल्कुल सब कुछ रुक जाता है कुछ क्षण के लिए, तो पूरा संसार, पूरा चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होने लगता है और वो शांत होने लगता है। अब शुद्ध और शांत होने का अर्थ क्या है? शुद्ध और शांत होने का अर्थ यही है कि शांत इस प्रकार से कि ना तो किसी प्रकार की चीख पुकार सुनाई देगी, ना किसी प्रकार का विलाप, ना किसी प्रकार का रोना, ना किसी प्रकार के भय डर से चीखती हुई आवाज़ें। और शुद्ध वातावरण हो जाने का अर्थ यह है कि जब सब कुछ रुक जाएगा, फैक्ट्रियाँ रुक जाएंगी, मशीनें रुक जाएंगी, सब कुछ रुका हुआ कुछ क्षण के लिए होगा, तो जो प्रदूषित वातावरण है वह स्वच्छ होने की अवस्था में आ जाएगा। तो ये एक अवस्था है कि उस क्षण के लिए, उस कुछ देर के लिए हम बिल्कुल शांत हो जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपनी भुजाओं तक को ना हिलाएं। भुजाओं तक को ना हिलाएं का अर्थ, ना तो हम कोई कार्य करें, ना
ना पेड़ की टहनियाँ हिलें, ना ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ये भुजाओं को हिलाने का अर्थ है यहाँ पर। तो हम बिल्कुल पूरी तरह से शांत हों, कुछ देर के लिए सब कुछ एकदम रोक दें, बिल्कुल पूरी तरह से रोक दें, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएं, एंड इट वुड बी एन एक्सटिक मोमेंट। ये एक्सोटिक मोमेंट होगा, पूरी तरह से एक विलक्षण होगा, जो देखने में अजीब सा लगेगा, विभिन्न मतलब एक अलग ही प्रकार का लगेगा। आपने अपने जीवन में लॉकडाउन के समय को देखा हुआ है, पहली बार ऐसा आपके जीवन में हुआ है कि लॉकडाउन जैसी चीज़ों को आपने अनुभव किया। बाहर निकल कर आपने देखा होगा तो दूर दूर तक सन्नाटा, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता मोमेंट, कि लोग आना जाना बंद कर दिया। आपने टीवी में, न्यूज़ में जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें भी आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत गिने चुने लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये गिने चुने वो लोग हैं जो किसी एक ज़रूरी कार्य में लगे हुए हैं या एक नेसेसिटी वाले सर्विस में लगे हैं। इसके अलावा माहौल पूरा शांत हो गया था, बाहर सन्नाटा हो गया था, ये एक आपके लिए जीवन का विलक्षण अनुभव था। विलक्षण अनुभव यानी कि ऐसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो ऐसी अवस्था आ गई थी, विदाउट रश, कोई भी भाग दौड़ नहीं कर रहा था, यानी एक ऐसी अवस्था हम लोग भी हो जाएं कि हम भाग दौड़ ना करें। विदाउट इंजन्स, कुछ क्षण के लिए सभी मशीनों को रोक दें। अब मशीनों को रोकने का अर्थ क्या है? मोबाइल भी एक मशीन है, टीवी पंखा भी एक मशीन है, इन सभी को रोक दें, कुछ क्षण के लिए सब चीज़ें स्थिर हो जाएं, यानी बिल्कुल भी हवा में, माहौल में हलचल मौजूद ना हो। एक ऐसा क्षण लाएं कि जो क्वाइट हो बिल्कुल। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक दूसरे के साथ हों। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस एक विचित्र से व्यवहार में, यानी जो अजीब सा ये व्यवहार हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे के साथ हों, किंतु शोर ना करें, किंतु बोले नहीं, किंतु चले नहीं, हम स्थिर हो जाएं। फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है, इन द कोल्ड शी, वह भी समुद्र के अंदर जब जाता है तो हिलोरे डालता है पानी में, यानी हलचल होती है, तो वह भी तो कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, यानी रुक जाए। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, कि उसे भी कुछ देर के लिए मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो आदमी जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, साल्ट को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसे भी कुछ क्षण रुक कर, स्थिर रहकर अपने घायल हाथों को देखना चाहिए। एक ऐसी अवस्था आए कि जिसमें हम कुछ देर के लिए ना करें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो किसी युद्ध के लिए तैयार हैं, ग्रीन वॉर्स, हम लोग एक समय एक युद्ध भी देख रहे हैं, युद्ध उस चीज़ का देख रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों लगा है, हम सब जानते हैं। कोरोना काल इतना भयंकर होता जा रहा है, कोरोना में लोगों की बीमारी इतनी भयंकर होती जा रही है कि वो जीने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक तरीके का वॉर ही है कि उन्हें अपने सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसे क्षण में उन चीज़ों को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो एक दूसरे से देश युद्ध कर रहे हैं उनको रोका जा सकता है। वॉर विद गैस, जो किसी जहरीली गैस के माध्यम से एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। वॉर विद फायर, जो अग्नि बरसाने वाले हथियार यानी यंत्र जो हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको कुछ क्षण के लिए रोक देना चाहिए। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर ऐसी जीत हमें मिल भी गई तो उस जीत का क्या अर्थ होगा जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा? यानी कि अगर हम कोई लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, लोगों की सांसें रुक रही हैं, तो उस लड़ाई का क्या अर्थ होगा जब जीवन बचेगा ही नहीं? लाशों के ढेर पर किसी जीत को अगर हासिल किया जाए तो वह जीत नहीं होती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उस समय के दौरान कुछ क्षण के लिए रुक कर हम साफ कपड़े पहनकर बैठें। एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स, और हम उनके साथ एक भाईचारे की तरह चलें। इन द शेड डूइंग नथिंग, उनके साथ परछाई बनकर बिना कुछ किए, यानी कि सब चीज़ों को रोक दें और उनका साथ दें, केवल इतना हमें करना है यहाँ पर। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं करना चाहता हूँ? विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जय पूरी की पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ जो है इनएक्टिविटी होनी चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, कि कोई भी चीज़ एक्टिविटी दिखाई नहीं देनी चाहिए, सब कुछ रुक जाना चाहिए। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, जीवन क्या है, जो हम जिसे जानते हैं क्या जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि हम यानी पोएट कहता है कि मैं मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं चाहता हूँ, यानी उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, मृत्यु से हम दूर रहना चाहते हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इस एक मत पर नहीं आ सके, यानी सब कुछ अगर शांत नहीं कर सके, सब कुछ रोक नहीं सके। अबाउट कीपिंग आर लिप्स मूविंग, कि जिससे हमारा जीवन चल सके। तो यहाँ पे पोएट समझाना चाहता है कि अगर हम सब कुछ नहीं रोकेंगे कुछ क्षण के लिए, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ऐसी स्थिति अगर नहीं होगी, तो लॉकडाउन हम इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम उसे आसपास देख रहे हैं। कीपिंग क्वाइट एक ऐसी अवस्था होती है जब आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जब आप हर तरफ मार कूट देख रहे हैं, हर तरफ मार काट देख रहे हैं, और उसको एक क्षण के रोकने की बात की जाए उस अवस्था की, तो उस समय हम सबको एक होना पड़ेगा अपने जीवन को बचाने के लिए। फॉर वंस, एक बार ही सही, कुड डू नथिंग, कुछ क्षण के लिए कुछ ना करें हम। परहैप्स, शायद,
ह्यूज साइलेंस, यह एक विशाल जो एक शांति होगी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो शायद इस दुख को कहीं ना कहीं कम कर सकती ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हम कभी समझ नहीं सकते एंड थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ, लेकिन अगर नहीं समझे तो वह हमें मृत्यु दे देकर धमकाता रहेगा, यानी चारों तरफ ऐसी ही मृत्यु होती रहेंगी। हम इसे बार बार अगर अपने लॉकडाउन से जोड़ें, अपने आसपास की इस स्थिति से जोड़ें तो देखिए क्यों ज़रूरी है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अगर हम इसे नहीं तोड़ेंगे, हम एक साथ ही से नहीं आएंगे इसके लिए, तो हमारे आसपास जो है मृत्यु का अंबार लगता जाएगा, यानी डेथ बॉडी का अंबार लगता जाएगा। तो एक ऐसी अवस्था कीपिंग क्वाइट भी बात कर रहा है कि हमें कुछ क्षण के लिए अपने आप को शांत रखना है, कुछ क्षण के लिए सारी चीज़ों को रोक देना है, ताकि यह विनाशकारी जो एक दृश्य है वह भी रुक सके। परहैप्स शायद द अर्थ, पूरी पृथ्वी कैन टीच अस, कि यह हमें यही सिखाना चाहती है पूरी पृथ्वी, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, कि जैसे हमारे चारों तरफ मृत्यु का एक अंबार लगा, हर चीज़ मृत्यु दिखाई दे रही हर तरफ, शायद पृथ्वी हमें यह चीज़ सिखाना चाह रही, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन अंततः हमें यह सिद्ध करना है कि हम जीवित रहना चाहते हैं। पृथ्वी पर सब कुछ अगर ख़त्म होने लगेगा तो हम सब जानते हैं पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, यानी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम खुद से अपने आप से कीपिंग क्वाइट अवस्था में नहीं आते हैं, शांत अवस्था में नहीं आते हैं, तो एक न एक दिन पृथ्वी हमें यह सब चीज़ें वास्तव में अपने आप से दिखा देगी, सब कुछ शांत कर देगी, सब कुछ ख़त्म कर देगी। नाउ आई विल काउंट अप 12, और अब मैं 12 गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और फिर आप तुरंत सब लोग शांत हो जाएंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। इस तरीके से ये पोएम में इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि कीपिंग क्वाइट किस प्रस्ताव में या किस अवस्था में हमें आवश्यक है, कीपिंग क्वाइट की अवस्था हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आई होप कि पोएम आपको लाइन टू लाइन समझ में आई होगी, इस पोएम की थीम समझ में आई होगी कि पोएम में कीपिंग क्वाइट का क्या महत्व बताने की कोशिश की गई है, शांत रहने की अवस्था को क्यों ज़रूरी बताया गया है ताकि सब विनाश रोके जा सकें, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस पोएम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रिलेटेड हैं क्वेश्चंस हैं, वो आपको jobnoteslab.in पर मिल जाएंगे। एंड एक ऐसे ही नए पोएम के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।